औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा रहमान है और बड़ा करम करने वाला है। स्टूडेंट्स, टुडेज आर 12th लेक्चर इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड इट्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। Our first topic, which is Kirchhoff's law. Sometimes we deal that type of circuit in which more than one EMF or more than one resistors are connected in complicated manner. These circuits are known as complex circuits, and these circuits do not solve easily by Ohm's law. According to the definition of complex circuits, such circuit in which more than one EMF is present or resistor are connected in complicated manner are called complex circuits. ऐसे circuits जिनमें एक से ज्यादा resistor या एक से ज्यादा EMF connect किए जाएं और वो इस तरह से connect किए जाएं कि उनका manner एक complicated manner हो, तो इस type के circuits को हम complex circuits का नाम देते हैं। अगर आप इस diagram में देखें तो आपके पास एक बैटरी जिसका EMF 9 वोल्ट गिवन है, उसको कनेक्ट किया गया है एक सर्किट से जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस कॉम्प्लिकेटेड मैनर के अंदर कनेक्ट की गई हैं। सिमिलरली आपके पास एक और सर्किट यहाँ पे शो किया जा रहा है जिसमें दो EMF E1 और E2 कनेक्टेड हैं, इन दो बैटरीज कनेक्टेड हैं इस सर्किट से, और इस सर्किट के अंदर एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस कॉम्प्लिकेटेड मैनर के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ को यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, जर्मन फिजिसिस्ट गस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ गेव टू लॉज नोन एज किरचॉफ लॉ। एक जर्मन फिजिसिस्ट गस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ ने दो लॉज आपके सामने पेश किए थे जो कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के काम आते हैं। इन लॉज को किरचॉफ लॉज कहा जाता है। ये लॉज क्या क्या है? किरचॉफ करंट लॉ, KCL, फर्स्ट लॉ। दिस लॉ इज रिलेटेड टू द करंट एट द जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट मे बी स्टेटेड एज द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। यानी कि इस लॉ में बताया जाता है करंट के हवाले से कि अगर आपके पास किसी भी पॉइंट पर एक से ज्यादा करंट आके कंबाइन हो रहे हैं और उसी पॉइंट से एक से ज्यादा करंट इमिट आउट हो रहे हैं, तो इन तमाम करंट्स का सम जो होगा, अल्जेब्रिक सम, वो जीरो के बराबर होगा। इट मींस दैट सम ऑफ ऑल करंट्स इक्वल्स टू जीरो। अ जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। जंक्शन एक ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जहां पर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाए। Consider four conductors carrying current I1, I2, I3 and I4, which is shown in this figure. We have four conductors in which four currents I1, I2, I3 and I4 are represented in this diagram. You can see that I1 and I2 comes from one point and combined at point O, and I3 and I4 are emitted from that point, which is denoted by O. If we take the sign of current following towards point O as positive, अगर उन currents के sign को हम positive consider करें जो उस point O की तरफ आ रहे हैं, then we have to assign negative sign to these currents which are emitted from that point. यानी कि I3 और I4 को हम negative sign assign करेंगे या नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाएगा जो कि उस पॉइंट से इमिट आउट हो रहे हैं। थस अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ टू द जंक्शन I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, बट I3 एंड I4 हैव नेगेटिव साइन, सो वी गेट फाइनल रिजल्ट व्हिच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। किरचॉफ करंट लॉ में आल्सो बी स्टेटेड एज the algebraic sum of current flowing towards
the junction in an electrical circuit is equal to the algebraic sum of current flowing away from that junction. Kirchhoff current law is based on the law of conservation of charge. यानी कि ये law एक और तरह से भी define किया जा सकता है कि जितनी amount of current किसी एक point पे आके जमा हो रही है वो बराबर होगी उन तमाम करंट के सम के जो उस पॉइंट से इमिट आउट हो रहा है. इस सूरत में इस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितने टोटल चार्ज आपके पास एक पॉइंट पे आके जमा हो रहे होंगे उतने ही चार्जेस उस पॉइंट से इमिट आउट हो रहे होंगे और इनका अल्जेब्रिक सम जो होगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड लॉ विच इज किर्चॉफ वोल्टेज लॉ known as KVL. This law refers to EMF and voltage drop in a closed circuit or closed loop and may be stated as in any closed electrical circuit, the algebraic sum of all the electromotive forces, EMF and voltage drop in a resistor is equal to zero. इसका मतलब है कि किसी भी closed circuit के अंदर sum of all electromotive forces and voltage drop in resistors connected in that loop or in that circuit equals to zero. Algebraic sum of EMF plus algebraic sum of voltage drops is equals to zero. While using Kirchhoff rule, it is worthwhile to follow the approach given below. अगर आपको Kirchhoff voltage law को solve करना है और इस law को prove करना है तो आपको कुछ steps follow करने जरूरी हैं, जिसकी वजह से आप इस लॉ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. फर्स्ट, ड्रॉ सर्किट डायग्राम. सेकंड, अज्यूम अ लूप करंट इन ईच लूप. ऑल द लूप करंट शुड बी इन सेम डायरेक्शन. इट मे बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. यानी कि आपके पास सपोज दैट आपके पास एक से ज्यादा लूप्स यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट मौजूद है जिसमें एक से ज्यादा ईएमएफ या बैटरीज कनेक्टेड हैं और इन बैटरीज की मदद से जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक से ज्यादा अमाउंट में है, तो आपको हर लूप में करंट की डायरेक्शन या करंट के मोशन को एक ही डायरेक्शन में कंसिडर करना होगा. या तो हर लूप में क्लॉकवाइज करंट को कंसिडर किया जाएगा या हर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट के मोशन को कंसिडर किया जाएगा. Third, write the loop equation for each loop. For writing each loop equation, the voltage change across any component is positive if transverse from low to high potential. यानी के second step ये होगा कि हम loop की equation लिखेंगे और loop की equation लिखते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि आपके पास EMF की value को हमेशा positive consider किया जाएगा अगर EMF जो बैटरी है आपके पास उसमें करंट का फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल दिखाया जाए जा रहा है. यानी कि अगर करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ तो ईएमएफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी. फोर्थ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. यानी कि आपके पास जब भी करंट फ्लो करता हुआ किसी रेजिस्टेंस से पास कर रहा होगा तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा और उस वोल्टेज ड्रॉप को ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, उसको हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा. लेट अस कंसीडर द गिवन सर्किट. हम यहां कंसीडर करते हैं इस सर्किट को जहां दो बैटरीज E1 और E2 गिवन है और दो रेजिस्टर्स R1 और R2 गिवन है और ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें दो EMF की वजह से करंट फ्लो कर रहा है. There are two batteries and two resistances are connected in series with each other. Consider a loop current I in anti-clockwise direction. यहाँ हम current की direction को anti-clockwise direction के अंदर consider करते हैं, यानी कि current flow कर रहा है from E1 to E2 और E1 से E2 की तरफ move करते वक्त इस ये दो resistors यानी R1 और R2 को cross करेगा. अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे E1 से E2 की तरफ जब करंट फ्लो कर रहा है तो आपके पास E1 में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, यानी कि
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो यहाँ ई वन की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अगर ई टू की बात करें तो ई टू के अंदर आपके पास करंट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव किया कर रहा है, तो यहाँ पर लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते वक्त करंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और ई टू की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा। जबकि आर वन और आर टू पे जो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उस वोल्टेज को हम यहां पर नेगेटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव पुट किया जाएगा। नाउ कंसीडर द सेम डायग्राम एंड राइट द इक्वेशन ऑफ दैट लूप व्हिच इज यूजिंग बाय किरचॉफ लॉ। अकॉर्डिंग टू केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक इफ वी विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ करंट देन वी विल ऑब्जर्व दैट माइनस ई वन माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू प्लस ई टू इक्वल्स टू जीरो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इससे पहले स्लाइड के अंदर कि ई वन में करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि पोटेंशियल आपके पास यहाँ पे जो ई एम एफ है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप होगा और उस पोटेंशियल एनर्जी के ड्रॉप की वजह से ई वन को नेगेटिव कंसिडर किया गया। सिमिलरली R1 और R2 पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इस वजह से I1 और I2 पे V1 और V2 की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर की जाएगी और V1 और V2 की जगह हमने यहाँ पे IR1 माइनस IR2 यानी कि V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ की इक्वेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो V1 और V2 की जगह IR1 और IR2 को नेगेटिव साइन के साथ पुट किया गया है। सिमिलरली जब E2 की तरफ करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है तो E2 में करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम यहां पर E की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इस वजह से E2 को पॉजिटिव लिया गया। तो जो इक्वेशन आपके सामने आई इस लूप की वो हो जाएगी माइनस E1 माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस E2 इक्वल्स टू जीरो। नाउ न्यूमेरिकल ऑफ किरचॉफ लॉ यानी कुछ न्यूमेरिकल मैंने यहां पर आपके लिए सॉल्व की है और होमवर्क के तौर पे आपको दी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके किरचॉफ लॉ को सॉल्व करने के लिए। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें जो फिगर यहाँ पे शो की गई है इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें दो लूप्स दिखाए गए हैं, एक लूप आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी का है, एक लूप आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी का है और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद हैं 1 ओम और 2 ओम की जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा। इसे हमें सॉल्व करना है, हमें बताना है कि इन दोनों रेजिस्टर्स से कितना कितना करंट पास हो रहा है, उस करंट की वैल्यू क्या होगी, उसे यहाँ पे हमें सॉल्व करके बताना है। डेटा R1 2 ओम R2 1 ओम। अगर हम कंसीडर करें पहले लूप को वन लूप के तौर पे और सेकंड को सेकंड लूप के तौर पे तो पहले लूप के अंदर जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसे R1 का नाम दिया गया जो कि 2 ओम के बराबर है, सेकंड लूप में R2 यानी कि 1 ओम के बराबर कंसीडर की गई, E1 10 वोल्ट जो पहली बैटरी है उसका EMF 10 वोल्ट के बराबर है, E2 6 वोल्ट सेकंड बैटरी का EMF 6 वोल्ट के बराबर है, करंट थ्रू R1 व्हिच इज इक्वल्स टू I R1, R1 मैंने यहां सबस्क्रिप्ट में यूज किया है, ये वोल्टेज नहीं है बल्कि R1 शो कर रहा है कि हमें करंट वो फाइंड करना है जो R1 से पास हो रहा है। सिमिलरली करंट थ्रू R2 I R2 हमें सेकंड करंट फाइंड करना है जो R2 से पास हो रहा होगा। Now consider that diagram with some labeling. यहाँ पे इस डायग्राम को लेबल किया गया है लूप के लिहाज से, एक लूप आपके पास है A B E F, दूसरा लूप है B C D E. इन दोनों लूप में सबसे पहले हमें सोल्यूशन करते वक्त जो सबसे पहले चीज का ख्याल रखना है वो रखना है करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन या तो दोनों लूप में एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर की जाए या क्लॉकवाइज कंसिडर की जाए, लेकिन याद रखिएगा दोनों में सेम डायरेक्शन कंसीडर कीजिएगा। मार्क द पॉइंट एस ए बी सी डी ई एफ।
Now this diagram, we have two loops. Consider two loop current I1 and I2 in the same direction anti-clockwise. Anti-clockwise direction में I1 और I2 को यहाँ पे consider किया गया कि current flow कर रहा है. अगर आप loop 1 में देखें तो current E1 यानी कि positive terminal of the battery से negative terminal of the battery की तरफ move करके R1 की तरफ जा रहा है. Second के अंदर आपके पास current R1 से पास होता हुआ R2 की तरफ और R2 से पास होता हुआ E2 की तरफ जब जा रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव कर रहा है. दोनों लूप्स में आप अगर देखें तो दोनों लूप्स के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रखी गई है एंटी क्लॉकवाइज. इसको क्लॉकवाइज भी रख सकते थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर दोनों करंट्स की डायरेक्शन को, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, दोनों को सेम डायरेक्शन के अंदर रखा जाएगा. Consider first loop A B E F A. By applying KVL on this loop, we write equation minus E1 minus I1 minus I2 R1. अब यहां पर minus I1 and I2 क्या चीज शो कर रहा है कि जब आप B और C के दरमियान R1 की वैल्यू के पास करंट को फ्लो करते हुए देखेंगे तो I1 from E to B मूव करता हुआ नजर आएगा, जबकि I2 from B to E मूव करता हुआ आपको नजर आएगा. जब ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और R1 से पास हो रहे हैं तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट होगी वो दोनों के माइनस यानी डिफरेंस को शो करेगी, जो कि I1 माइनस I2 करके शो किया गया है. और R1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा I उसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 से और नेगेटिव साइन के साथ शो कर दिया जाएगा. इसी वजह से ये इक्वेशन माइनस E1 माइनस I1 माइनस I2 R1 से मल्टीप्लाई होकर इक्वल्स टू जीरो के बराबर आ रही है. पुट ऑल द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन. जो भी वैल्यूज हैं I1 I2 R1 और E1 की उसे हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि I1 और I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. E1 और R1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है. E1 की जगह -10 वोल्ट आ गया, R1 की जगह 2 आ गया. इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे? -10 माइनस की वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले गए तो वो आपके पास हो गई I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ 2 को हमने डिवाइड कर दिया 10 पे तो आपके पास -5 वैल्यू बची. -5 इक्वल्स टू I1 माइनस I2 एंड वी कैन राइट अबव इक्वेशन -5 प्लस I2 इक्वल्स टू I1 एंड दिस इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन 1. Now consider loop B C D E B. Second loop को consider करते हैं यहाँ पे. By applying KVL on this loop, we get equation minus I2 minus I1 R1 minus I2 R2 plus E2 equals to 0. यानी यहाँ हम जब equation बनाएंगे तो क्योंकि second loop को consider कर रहे हैं और second loop का current जब R1 से pass हो रहा है तो वहाँ पे I1 यानी first loop का current भी मौजूद है, तो हम second loop के current को positive consider करेंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट आपके पास आ रहा है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करके I2 में से माइनस करेंगे. क्योंकि R के पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू I2 माइनस I1 मल्टीप्लाई बाय R1 के बराबर होगी विद नेगेटिव साइन, जो कि यहाँ पे इनिशियली लगाकर दिखाया गया है. माइनस I2 R2 जब ये I2 मूव करेगा R2 की तरफ तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे माइनस I2 R2 के साथ मेंशन किया गया है. प्लस E2 जब करंट फ्लो करके E2 की तरफ जाएगा तो आप देख रहे हैं कि E2 में ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब करंट फ्लो करेगा तो आपके पास पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ और इस पोटेंशियल इंक्रीज को पॉजिटिव साइन से शो किया गया. इसी वजह से E2 को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया गया. Put all the values in above equation. हम अब equation के अंदर तमाम values को put करते हैं. Minus I2 minus I1 multiply by 2 minus I2 multiply by 1 plus 6 equals to 0. By multiply 2 with the bracket we get minus 2I2 plus 2I1 minus I2 plus 6. Minus I2 और minus 2I2 को add किया तो आपके पास value आ जाएगी minus 3I2
आई वन की जगह इससे पहली स्लाइड में हमने जो आई वन की वैल्यू निकाली थी उसे पुट किया गया यहाँ पे और प्लस सिक्स एज इट इज यहाँ पे लिखा गया। जब हमने इसको पुट किया तो जो वैल्यू हमारे पास बनी वो बनी माइनस थ्री आई टू माइनस टेन प्लस टू आई टू प्लस सिक्स, और जब इस वैल्यू को सॉल्व किया गया तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई माइनस आई टू माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड आई टू बिकम्स माइनस फोर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई टू इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन जिससे पहली स्लाइड में हमारे पास मौजूद थी उसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे आई टू की वी गेट माइनस फाइव प्लस माइनस फोर इक्वल्स टू आई वन एंड वी गेट आई वन इक्वल्स टू माइनस नाइन। अब ये जो आई वन है ये पास हो रहा है आर वन से और आर वन में दो करंट एट अ टाइम पास हो रहे हैं आई टू भी और आई वन भी, तो यहाँ पे जो टोटल करंट आएगा वो डिफरेंस होगा आई वन और आई टू का और उस डिफरेंस को हम किस तरह से निकालेंगे वो आगे स्लाइड के अंदर गिवन है। करंट थ्रो आर वन विल बी आई आर वन आई वन माइनस आई टू, सो आई वन की वैल्यू माइनस नाइन माइनस आई टू की वैल्यू माइनस फोर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई आर वन यानी आर वन से पास होने वाला करंट वो बराबर हो जाएगा माइनस नाइन प्लस फोर के और फाइनल रिजल्ट इसका हो जाएगा आई आर वन इज इक्वल टू माइनस फाइव एम्पेयर। सो करंट थ्रो आर टू विल बी आई आर टू विच इज इक्वल टू आई टू एंड दिस इज इक्वल टू माइनस फोर एंड फाइनल रिजल्ट फॉर आई आर टू यानी कि वो करंट जो सेकेंड रेजिस्टर आर टू से पास हो रहा है वो आपके पास आ जाएगा माइनस फोर एम्पेयर। तो दो करंट आ गए आपके पास, वो करंट जो आर वन से पास हो रहा है वो आ गया आपके पास माइनस फाइव एम्पेयर और जो आर टू से पास हो रहा है वो करंट आपके पास माइनस फोर एम्पेयर के इक्वल होगा। फाइंड द करंट थ्रो फ्लोइंग थ्रो ईच रेजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ये आपका होमवर्क है। ये आपके पास डायग्राम मौजूद है इसकी, इस डायग्राम के अंदर सॉल्व करें इसी तरह से जिस तरह से मैंने इससे पहले इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व कराई है। सबसे पहले आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। सपोज दैट आप E1 ले लेते हैं 50 वोल्ट्स, E2 ले लेते हैं 20 वोल्ट्स को। करंट की डायरेक्शन को देखना है आपने कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखिएगा, दोनों में सेम लीजिएगा और सेम लेने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे दोनों लूप्स की इक्वेशन बनाकर तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो मुझे सॉल्व करके आप भेजेंगे। नाउ दिस इज योर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर सो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड थ्रू गूगल क्लासरूम। थैंक यू स्टूडेंट्स।